नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रांग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे आप लॉस से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं, एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट का बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, या हम लोग का टेलीग्राम चैनल में फ्रीली ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप स्टॉक या एलएस ब्लू किसी का साथ ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक हम लोग का वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी अकाउंट का ब्रोकर का साथ आप अकाउंट ओपन करके हम लोग का लिंक का थ्रू हम लोग का साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस का ऊपर आते हैं। तो आज को मैं 39,500 का कॉल का चार्ट लगाया हूँ। अब ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है, ये आपका सिग्नल होता है। अब ये सिग्नल जब भी बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें उसका डिटेल दिख के आ रहा है, 295.3, मतलब इस वैल्यू में कॉल दिया है। यहाँ पर टारगेट देखने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग का जो मेन फोकस होता है वो एंट्री पे होता है एंड एग्जिट पे होता है। अगर आपका एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट हो गया तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो बाय का कॉल बना है, एंट्री लेने का पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं कंडीशन को एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज बाय का कॉल आपको मिल गया है, अब ये कॉल को कंफर्म कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे में आपको एक रिबॉन दिखाई देगा जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन जो मैच हो गया। बाय का कॉल का पहले ग्रीन कलर का स्टार रहेगा, ग्रीन कलर का स्टार है, सेकेंड कंडीशन मैच हो गया। मिडिल में आपको एक येलो कलर का लाइन दिखाई देगा, येलो लाइन का ऊपर मार्केट को रहना है, मार्केट मतलब कैंडल, तो येलो लाइन का ऊपर कैंडल को रहना है, थर्ड कैंडल मैच हो गया। फोर्थ एंड फाइनल कंडीशन आप बोल सकते हैं नीचे का ये लाइन इंडिकेटर, आपको नीचे में एक लाइन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। अब इस लाइन इंडिकेटर का काम क्या है, ये देखिए लाइन इंडिकेटर बहुत पहले से ग्रीन होकर ऊपर की तरफ जा रहा था, बट जब तक ये मिडिल का वाइड लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका स्ट्रेंथ बाइंग की तरफ गया है कन्फर्म नहीं होता है। तो ये जो लाइन इंडिकेटर है बहुत ही वाइटल पॉइंट होता है, अगर ये वाइड लाइन का ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है आप स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस गए। तो इतना सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है कोई भी ट्रेड लेने का पहले। तो हम लोग क्या क्या चीज़ नोटिस किए और एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। बाय का कॉल में स्टार देखना है, नीचे का रिबन ग्रीन देखना है, ये लाइन न्यूट्रल का ऊपर गया है कि नहीं, और येलो लाइन का ऊपर कैंडल बना है कि नहीं। तो ये चार कंडीशन आपका कॉल को कन्फर्म कर रहा है। एंट्री कब लेना है, हर एक सिग्नल का पहले एक ब्लू कैंडल बनता है, तो ये ब्लू कैंडल का हाई को तोड़ रहा है कि नहीं इस कैंडल आपको देखना है, उसका बाद ही ट्रेड करना चाहिए। सपोज इस कैंडल का एलटीपी था 298.9, मैं 300 ही पकड़ लेता हूँ, 300 में मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है ऑप्शन बायर्स के लिए, टारगेट क्या, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। टारगेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, जहाँ पर हम लोग फंसते हैं। देखिए बेसिकली स्टॉप लॉस बोल के कोई ऐसा फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं होता है, स्टॉप लॉस अपना अपना दिमाग का खेल है, और आपका कैपिटल का ऊपर निर्भर कर रहा है आप कैसे स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपका सारा कंडीशन आपका फेवर में है, आपको दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, क्योंकि अभी का जो मार्केट का सिलसिला है यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस हो जा रहा है, उसके बाद टारगेट अचीव हो रहा है, जिसका कोई मायने नहीं रखेगा। इसीलिए अगर आपको दिख रहा है जो आपको एक अच्छा कॉल मिला है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा के लिए। बट पहला मिनिमम टारगेट क्या रखेंगे, एक बेसिक आइडिया लेने के लिए, ये जो ब्लू कैंडल बन रहा है इस कैंडल का लो का नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए इसका लो था 260.55, मैं 260 पकड़ लेता हूँ। सोचिए इस ब्लू कैंडल का लो का नीचे आपका पहला स्टॉप लॉस लाइन आप क्रिएट किए, जो मैं अगर 300 रुपया में यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन किए, जो मैंडेटरी है करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक एक कैंडल में 40-50 पॉइंट का भी अप डाउन हो जाता है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा के रखना ही पड़ेगा, बट फिर भी हम लोग एज ए आइडिया ब्लू कैंडल का लो का नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो सोचिए मैं यहाँ पर एंट्री लिया हूँ, इस कैंडल में ऑलरेडी मैं 12-13 पॉइंट प्रॉफिट में जा रहा हूँ, अब देखेंगे आगे चल के क्या होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर
इस टाइप का कैंडल जब बनता है यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं। देखिए एंट्री तो अब ले लिए थे इस कैंडल का, बाद ये कैंडल मार्केट डाउन गया, ये ब्लैक कैंडल है, ब्लैक मतलब बुलिश कैंडल है। अब ये जो कैंडल है ये काफ़ी लंबा गिरावट हुआ। अब ऐसा सिचुएशन में देखिए हम लोग का स्टॉप लॉस का करीब मार्केट ऑलरेडी आ गया था। आप 260 का स्टॉप लॉस रखे थे और आपको दिखाई दे रहा है इस कैंडल का लो 263.65 पे चला गया। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा सोचना है, अगर आपका सारा कंडीशन आपका फेवर में है तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं जो एक कैंडल इतना नीचे आ गया आपका स्टॉप लॉस का करीब, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल आपका स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर जाए। तो इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा सिचुएशन बना है, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है तो यही आप अपना स्टॉप लॉस को रख सकते थे। बट लाइव मार्केट में सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, आपको उस हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन आपको जैसे ही दिखेगा तो आपका स्टॉप लॉस का बहुत ही करीब आ चुका है। आपको स्टॉप लॉस को और थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा के नीचे कर लेना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, पहले स्टॉप लॉस को हिट करेगा और उसका बाद आपको टारगेट दिखेगा। क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है ऊपर में ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब इतना दूर तक मार्केट जाने का एक संभावना है। तो मार्केट इतना रैली करेगा बट इसका पहले आपको बचना है। तो इसी जगह पे बहुत बंदा पहले स्टॉप लॉस का आ जाता है, तो इसको कंट्रोल करना आपका हद में है। क्योंकि इस टाइप का जो सिचुएशन मार्केट में बनता है यहाँ पर मार्केट को तो रोकना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो कर सकते हैं जो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा के अपना पोजीशन को थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं। देखिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और इसको कंटिन्यू करने से आपको दिखाई देगा जैसा इस कैंडल में देखिए एग्जैक्टली ये जो कैंडल हुआ था, इस कैंडल का जो लो है, अगर मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करता तो इस कैंडल पे मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखिए जस्ट एक कैंडल का एक खेल है, एक कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, उसका बाद देखिए मार्केट रिवर्स करना शुरू किया। तो इसके लिए ऐसा सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको थोड़ा स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, ये टोटली आपका हक में। तो अल्टीमेट देखिए अगर हम लोग स्टॉप लॉस को वहां पर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते तो देखते देखते नेक्स्ट कैंडल पे देखिए मार्केट सडनली पुश बैक किया और ऊपर लेके गया। क्योंकि आपको पता है मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट का नीचे गिरा हुआ है, रिबाउंड टोटली ग्रीन है, मतलब बायर्स काफी स्ट्रांग है। आपका ये जो नीचे का इंडिकेटर है ये भी आपको संकेत दे रहा है जो प्रेशर बाइंग के लिए है। रेजिस्टेंस इतना ऊपर है तो मार्केट ऊपर ले जाने का चांसेस मोर देन 85%। तो ऐसा केस में मुझे जो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बचाना है, प्रॉफिट तभी मुझे दिखेगा। तो अल्टीमेट देखेंगे धीरे धीरे मार्केट में मूवमेंट हुआ और एक टाइम ऐसा हुआ जो मार्केट में आपको सोचने का और जरूरत नहीं पड़ा, जाके आपका रेजिस्टेंस को हिट कर दिया। तो मेरा टारगेट था रेजिस्टेंस तक, तो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर कवर कर लिया। बट आपको ये जो सिचुएशन यहाँ पर बना था इससे बचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो कैंडल एक कैंडल बना बढ़ गया इतना स्टॉप लॉस का करीब आ गया था, तो इस टाइप का सिचुएशन में थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस को बढ़ाना है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं। तो होपफुली समझ में आया है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए पैसा वही बनाता है जो पैसा रिस्क ले पाएगा मार्केट। आप शायद किसी का अकाउंट में देख रहे हैं जो कोई बंदा आज को 1 लाख रुपया कमा लिया है, बट आप इतना भी नोटिस कीजिए किसी दिन वो 2 लाख रुपया लॉस भी खाता है। तो हम लोग तो क्लाइंट का किसी एक बंदा का प्रॉफिट का बारे में सोचते हैं, बट उसका बैकग्राउंड, उसका कितना कैपिटल है और वो कितना लॉस बियर कर सकते हैं उसका बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो आपका क्या कैपेबिलिटी है ये आपको बताया ट्रेडिंग में, तो खुद का एक सेटअप बनाइए, आपका कैपिटल के हिसाब से काम कीजिए, लॉजिक को सही से फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा जो आपको मेरा सर्विस कैसा लग रहा है। थैंक यू।